कोरिया जिले के बैकुंठपुर मिलेट से बने व्यंजन और पौष्टिक आहार को लोगों की थाली तक पहुंचाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने मुख्यालय में मिलेट्स कैफे की शुरुआत की थी। साल भर में मिलेट्स कैफे ने 22,64,000 रुपए की आय और 76 लाख से अधिक रुपए की खाद्य सामग्री की बिक्री के साथ सफलता का नया कीर्तिमान रच दिया और इसके साथ ही महिला समूह के माध्यम से 31 स्टाफ को रोजगार मिला है। बता दें कि कोरिया जिले का मिलेट्स कैफे ज्वार, बाजरा, रागी, कुटकी, कोदो से बने लजीज व्यंजन के स्वाद लेने का एकमात्र स्थान है, जिसको लेकर कलेक्टर विनय कुमार लंगे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम साय भोजन में लगातार मिलेट्स को शामिल करने की बात कहते हैं और इसी उद्देश्य के साथ कोरिया में मिलेट्स कैफे की शुरुआत की गई थी, जिसका संचालन रोशनी स्व सहायता समूह के माध्यम से किया जा रहा है। ग्राहक कल्पना देवांगन ने कहा कि यहाँ का टेस्ट बहुत अच्छा है, हम रेगुलर कस्टमर हैं और मिलेट्स के व्यंजन अच्छे हैं, सर्विस भी काफी अच्छी है। कोरिया से विशाल सिंह की रिपोर्ट। देखिए, कोरिया मिलेट्स कैफे की जो शुरुआत थी, इसका बेसिकली जो उद्देश्य था, माननीय प्रधानमंत्री जी जैसे हमेशा मिलेट्स को अपने दैनिक जो हमारा खान पान होता है उसमें इंक्लूड करने के लिए बोलते हैं, प्लस हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी मिलेट्स के जो व्यंजन होते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, प्लस अपने डेली का जो हमारा खाना होता है उसमें इंक्लूड करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं। तो इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमने यहाँ पे कोरिया मिलेट्स कैफे की शुरुआत की थी। ये बेसिकली यहाँ पे हमारा एक स्वयं सहायता समूह है, रोशनी स्वयं सहायता समूह, उनके द्वारा इसको संचालन किया जा रहा है और ऑलमोस्ट 1 साल से ऊपर हो गया इसका संचालन किए हुए। और आज की डेट में यदि मैं बात कर रहा हूँ, कुल जो रिटेल है, जो कुल उन्होंने वहाँ पे अपना बिजनेस किया है, वो लगभग 75 लाख प्लस का है और उसमें जो प्योर प्रॉफिट जो वहाँ की दीदों ने कमाया है वो लगभग 22 लाख प्लस का है। मैं पहले खाना बनाने का काम करती थी, जिससे मेरे बिहान के सर लोगों ने जैसे हमको देखा तो उसके बाद हमको मिलेट्स का ट्रेनिंग लेने के लिए रायपुर भेजे। रायपुर से आने के बाद हमारे कलेक्टर सर जो हैं वो एक केएमसी यहाँ डालना चाहते थे, मिलेट्स कैफे, तो हमारे सर लोगों ने हमारा नाम सजेस्ट किया कि कुछ दीदियाँ वहाँ से ट्रेनिंग लेके आई हैं, उनके माध्यम से हमको ये केएमसी मिला है। यहाँ स्टार्टिंग में जब हम लोग को मिलेट्स कैफे में काम करने का मौका मिला, उस समय कभी हम लोग इतने यानी VIP रेस्टोरेंट में कभी काम नहीं किए थे कि कैसे क्या स्टार्टर होता है, कैसे मेन कोर्स होता है, यानी हम लोग एक समूह की दीदियाँ थी, हमको पहले ये सब का ज्ञान नहीं था, फिर भी हमने कोशिश किया कि अच्छे से अच्छा कर पाए। फिर स्टार्टिंग में ही जब ओपनिंग हुआ, 1-2 महीने बहुत भीड़ होता रहा, बहुत से कस्टमर गुस्सा भी जाते थे कि ऑर्डर सही पे नहीं होता था, बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता था और बहुत सी दीदियों को पता भी नहीं रहता था कि हमको क्या सर्व करना है, क्या देना है। धीरे धीरे दीदी लोग सीखे, हम लोग भी सीखने का मौका मिला और फिर भी बहुत सुनना भी पड़ता रहा, कुछ लोग शिकायत भी करते रहे कि यहाँ आने से बहुत लेट सर्विस होता है, ऐसे करके हम लोग हिम्मत भी हार गए थे। फिर उसके बाद कलेक्टर सर से और हमारे बिहान के सर लोग हम लोग को समझाए कि नहीं दीदी, आप लोग धीरे धीरे चलाइए, बहुत अच्छे से आप चला सकती हैं, आप लोग मेहनत करिए। उसके बाद सर धीरे धीरे चलाते गए और एक के बाद एक हम लोग को मिलते गया, अच्छा अच्छा इनकम होते गया सर। यहाँ का टेस्ट बहुत अच्छा है, जो समूह की महिलाएं जो यहाँ काम कर रही हैं, हम लोग यहाँ रेगुलर कस्टमर के रूप में आते हैं, समूह की जो दीदियाँ हैं उनका सर्विस बहुत अच्छा है, उनका व्यवहार काफ़ी अच्छा है, जिसको देख के लोग यहाँ आते हैं। और मिलेट के जो स्पेशल यहाँ पे व्यंजन मिलते हैं वो खासकर बहुत अच्छे लगते हैं हम लोगों को। मिलेट का बहुत सारा आइटम है, कुकीज़ भी हैं और कुछ फ्रेश आइटम भी हैं जो हम लोग हमेशा लेते हैं। और यहाँ पे अभी बहुत सारे मेनू एड ऑन भी हुए हैं, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें अब यहाँ पे मिलने लगी।